स्नेहा गुप्ता एडिट इन क्लास 5 माय ऑल स्पीच इंटरनेशनल योगा डे. योगा डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 21 जून एवरी ईयर. द फर्स्ट इंटरनेशनल योगा डे वाज सेलिब्रेटेड ऑन 21 जून 2050. इट वाज स्टार्टेड बाय आवर प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी जी. ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. वाह, बहुत अच्छा, ताली लगाइए एक बार. जो एसडीएम का एक न्यूज आ रहा है, एसडीएम ज्योति मौर्या और लोक मौर्या हैं, जो मतलब आजकल वैसा होता है बहुत सारे लोग के साथ कि अपने बेटी को ही पढ़ाते हैं, कितने लोग अपने मतलब पत्नी को ही पढ़ाते हैं और बड़ा बनने के बाद मतलब अपने परिवार को भूल जाते हैं, उस पर क्या कहना चाहते हैं? उस पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि उन्हें तो भूलना तो नहीं चाहिए, क्योंकि उन्हें पति या उनके पिता जो भी पढ़ाते हैं उन्हें बहुत मेहनत से पढ़ाते हैं. उनका भी एक सपना होता है कि मेरी बेटी या पत्नी बनेगी तो मेरा नाम रोशन करेगी, मेरे खानदान का नाम रोशन करेगी और अपने भारत देश का नाम रोशन करेगी. इसलिए मैं उन लोग से बोलना चाहती हूँ कि कृपया कर ऐसा काम ना करें, क्योंकि जब पढ़े लिखे होकर अफसर होकर वैसे करेंगे तो फिर आम जनता पर क्या प्रभाव पड़ेगा. वही तो, वैसी बात है. तो ऐसे तो बहुत सारी आंटी लोग हैं जो तैयारी कर रही होगी आईपीएस का, तो अब तो उन लोग को भी तैयारी करने का तो नहीं होगा ना सर. आपके स्कूल के बच्चे काफी तेजी से वायरल हो रहे हैं सर. जी बिल्कुल, सभी बच्चों में बहुत प्रतिभा है और स्नेहा मतलब बहुत ही सिंसियर है, अपने क्लास वर्क को अच्छा से करती है. माय नेम इज विश्वजीत राज. हां, अपना क्वेश्चन दीजिए. माय फादर नेम इज श्री मुकेश प्रसाद. माय मदर नेम इज श्रीमती पिंकी देवी. माय ब्रदर नेम इज प्रीतम राज. माय सिस्टर नेम इज सुप्रिया भारती. पापा मम्मी क्या करते हैं? जी पापा मेरी पापा फेरी करते हैं और मम्मी हाउस वाइफ है. आगे क्या बनने का सपना है? आईपीएस. आईपीएस. अच्छा, आईपीएस बनने के क्या मतलब समाज को दिशा दोगे, कैसे दिशा दोगे कि मतलब समाज सुधरे? मैं आईपीएस बनकर ये बताना चाहती हूँ समाज को. जय हिंद, मैं हूँ प्रद्युमन यादव और आप देख रहे हैं ग्रेजुएट न्यूज. जैसा कि पिछले वीडियो में आप लोगों को दिखाएं कि मध्य विद्यालय राजगीर बाजार का जो विद्यालय था इसका इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाएं आप लोगों को, कुछ बच्चों से मिलवाएं. और खास बात यह है कि जो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रही है, स्नेहा गुप्ता जो इसी स्कूल में पढ़ती है और उसी के क्लास में आ गए हैं, उससे मिलने का प्रयास करेंगे. और हमारे साथ सर जी भी हैं, तो सर इसी में पढ़ती है वो? जी हाँ, वर्ग 5 है और 5वां क्लास अभी संचालित है, उसमें शिक्षक भी हैं और स्नेहा गुप्ता भी अध्ययन कर. मिलवाने का प्रयास कीजिए. चलिए, मैं कमिंग सर. हाँ, देखिए वर्ग 5 में आ गए हैं. हाँ सर, सबसे पहले मेरे चैनल पर आपका स्वागत. जी, क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम रामानंद प्रसाद हुआ. जी, जैसे कि आपके स्कूल के बच्चे काफी तेजी से वायरल हो रहे हैं सर. जी स्नेहा गुप्ता. बिल्कुल, सभी बच्चों में बहुत प्रतिभा है और स्नेहा मतलब बहुत ही सिंसियर है, अपने क्लास वर्क को अच्छा से करती है और होमवर्क वगैरह सब करके लाती है. गॉड गिफ्टेड है थोड़ा. हाँ, उसमें नो डाउट, बहुत से बच्चे को जैसे दिया होमवर्क. बच्चे अपने आप में यूनिक हैं, सभी बच्चे अपने आप में. नो डाउट. देख, कुछ बच्चे क्या होते हैं कि जल्दी से याद कर पाते हैं, कुछ बच्चे थोड़ा देर से याद कर पाते हैं, लेकिन सारे बच्चे में प्रतिभा है और सभी बच्चे अपने प्रतिभा के अनुसार काम करते हैं. कौन से विषय पढ़ाते हैं? मैं इंग्लिश ही पढ़ाता हूँ. इंग्लिश पढ़ाते हैं सर? यस सर. देखिएगा इधर, डे बाय डे आई फ्लोट माय पेपर बोर्ड्स, वन बाय वन डाउन द रनिंग स्ट्रीम, इन बिग ब्लैक लेटर्स आई राइट माय नेम ऑन देम एंड द नेम ऑफ द विलेज वेयर आई लिव. हाँ, मतलब इंग्लिश पढ़ा रहे हैं. जी जी हाँ, बिल्कुल. हिंदी करके. हाँ, ये रविंद्रनाथ टैगोर जी की कविता है और इसमें ये बता रहे हैं कि हम लोग बचपन में कागज का जो नाव बनाते थे और उसको हम लोग झरना में या जो बहते हुए पानी है उसमें हम लोग बहाया करते थे. अभी भी गांव में बच्चे खेलते हैं? जी हाँ बिल्कुल, बारिश में बच्चे खेलते हैं. तो उसमें उन्होंने बताया है कि हम लोग उस पे बड़े बड़े अक्षरों में अपना नाम लिखते थे और गांव का भी नाम लिखते थे ताकि ये नाव कहीं भी जाए तो वो हमारे बारे में जान सके. ये बच्चे की मतलब उनकी मनोभावना. देखिए स्नेहा गुप्ता उधर लगता बैठी हुई है. हाँ, खड़ा हो जाओ छोटी, थोड़ा सा जाने दीजिए हमको. सबसे पहले मेरे चैनल पर आपका स्वागत है. धन्यवाद. काफी तेजी से आप वायरल हो रहे हैं, कैसे पढ़ाई करते हैं, कैसा सर पढ़ाते हैं? बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मेरे विद्यालय के सभी टीचर बहुत. अपना नाम बताइए, अपने पापा का नाम बताइए. जी मेरा नाम स्नेहा गुप्ता है. जी मेरे पिताजी का नाम श्री मुकेश गुप्ता है. जी कौन स्कूल में पढ़ाई करते हैं आप? जी मैं मध्य विद्यालय राजगीर बाजार में पढ़ती हूँ. सरकारी स्कूल में ही पढ़ती है सिर्फ? हाँ. प्राइवेट में नहीं पढ़ती है? नहीं. तो काफी तेजी से वायरल हो रही है, इसका क्या राज है? यही पढ़ने का राज्य है. अगर गुरु ही अच्छा मिल जाए तो पढ़ाई भी बहुत अच्छा, और मेरे विद्यालय में बहुत अच्छा पढ़ाई होता है. जैसे कि आप बता रहे थे अनिल सर के बारे में कि वो भी काफी आदर्श हैं, शिक्षक तो अपने आप में सभी आदर्श होते हैं. हाँ. हाँ.
तो क्या कुछ मतलब कैसे पढ़ाते हैं, जैसे कि कुछ अपना शेयर करने का प्रयास कीजिएगा, कैसे कैसे पढ़ते हैं इसमें? अनिल सर तो बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, अनिल सर ही हम लोग को प्रैक्टिस देते हैं, यानी स्पीच ये सब हम लोग अनिल सर ही देते हैं। अभी क्या पढ़ रहे थे आप? अभी हम लोग इंग्लिश पढ़ रहे थे। आप इंग्लिश में काफी अच्छा जवाब दे रहे थे, इंग्लिश में थोड़ा एक आपको पोइम सुनाने का प्रयास कीजिए। जी मैं सुनाती हूँ। हाँ, जो आपको अच्छा से याद हो। इफ यू डोंट गिव अप, लाइफ इज फुल ऑफ माउंटेन्स। इफ यू डोंट गिव अप, लाइफ इज फुल ऑफ माउंटेन्स। यू कैन नॉट गिव अप, यू कैन मेक इट टू द टॉप। लाइफ इज फुल माउंटेन्स, सम आर बिग एंड सम आर स्मॉल, बट इफ यू डोंट गिव अप, दैट ऑल। थैंक यू। आप योगा डे पर काफी अच्छा स्पीच दे रहे थे, थोड़ा सा देखे बताइएगा। यस सर, मैं जरूर दूंगी। गुड मॉर्निंग रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, टीचर, पेरेंट्स एंड ऑल माय डियर फ्रेंड, टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज अश्नेहा गुप्ता, आई डिड इन क्लास 5 माय ऑल स्पीच इंटरनेशनल योगा डे। Yoga Day is celebrated on 21 June every year. The first International Yoga Day was celebrated on 21 June 2050. It was started by our Prime Minister, Mr. Narendra Modi ji. The aim of celebrated this day to spread awareness of importance of yoga. Yoga is an exercise for health, mind and body. Yoga improves strength, balance and flexibility. Practicing yoga regularly makes us strong. Yoga brings a positive attitude in everyone. That all, thank you. Jai Hind, Jai Bharat. Wow, thank you, Ekbar. इतना अच्छा से कैसे आप मतलब स्पीच दे रहे हैं? ये सब अनिल सर के कारण हुआ। अनिल सर ही हम लोग को सिखाए इंग्लिश देना। हाँ, इंग्लिश तो पढ़ा रहे हैं, अभी लगता है दूसरा सर पढ़ा रहे हैं ना? हाँ। तो स्पीच मतलब दे देने के लिए अनिल सर? हाँ, अनिल सर। हाँ, मतलब सभी शिक्षक यहाँ के आदर्श हैं। हाँ। कौन कौन विषय पढ़ते हैं आप यहाँ? हिंदी, इंग्लिश, मैथ और पर्यावरण। हाँ, मैथ में कुछ सवाल पूछ सकते हैं आपसे? पूछिए। 13 मल्टीप्लाई 5 करेंगे। क्या? 13 मल्टीप्लाई 5। 115। 13 मल्टीप्लाई 5, 13। 13, 65। 65, हाँ। A plus B का होल स्क्वायर। A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। वाह, बहुत अच्छा, ताली लगाइए एक बार। अच्छा, इतना टैलेंटेड तुम बच्चे से हो, मतलब बचपन से हो या मतलब? बचपन से इतना टैलेंटेड हो, जो भी मतलब पढ़ाते हैं तुरंत याद हो जाता है। हाँ। पापा मम्मी क्या करते हैं? जी पापा मेरी पापा फेरी करते हैं और मम्मी हाउस वाइफ है। आगे क्या बनने का सपना है? आईपीएस। आईपीएस? अच्छा, आईपीएस बनने के क्या मतलब समाज को दिशा दोगी, कैसे दिशा दोगी कि मतलब समाज सुधरे? मैं आईपीएस बनकर ये बताना चाहती हूँ समाज को कि वो बेटी को पढ़ाए, और बेटी आज की दुनिया में बहुत ही अच्छी है, बेटी भी सब चीज कर सकती है, बेटों से ज्यादा तो बेटी ही अच्छी होती है। और ये दारू ना पिए कोई, नशा मुक्ति से मैं छुटकारा जरूर दिलवाऊंगी। अच्छा, दारू पीने से क्या क्या मतलब ऐसी होता है? दारू पीने से नशा आता है, और अगर कोई दारू पिए रहते हैं तो नशा आएगा, और अगर वो घर जाते हैं तो शायद अपने बच्चों या बेटियों को पीट भी सकते, पीटते भी है। अच्छे से नजर नहीं मिला सकते उनसे? हाँ, नहीं मिला सकते हैं। हाँ, तो घर में उनका शांति आएगा। हाँ, तरह तरह की बीमारियां भी आएगा। हाँ, तो वो सब पर आप रोकथाम लगाइएगा। हाँ। अच्छा, थोड़ा सा और मतलब किन्हीं के बारे में आप बोलना चाह रहे थे? किनके बारे में? सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में मैं बताती हूँ। सरदार वल्लभ भाई पटेल वॉज ए ग्रेट फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडिया। ही वॉज बॉर्न ऑन 31 अक्टूबर 1879 एट नडियाड, गुजरात। His father name was Javed Bhai Patel. His mother name was Ladwa Devi. He was also called Iron Man. इतना अच्छा इंग्लिश, मतलब प्राइवेट स्कूल के बच्चे कितना नहीं बोल पाते, आप कैसे इतना अच्छा इंग्लिश बोल लेते हैं? वो तो मैं अनिल सर से सीखी हूँ। अच्छा, खाली स्पीच देती है या और कुछ में मतलब इंग्लिश में बोल सकती है, उसको हिंदी भी कर सकती है? नहीं, मैं हिंदी तो अभी नहीं करती हूँ, सीख रही हूँ अनिल सर से, और मैं नरेंद्र मोदी जी पे भी स्पीच दे सकती हूँ। थोड़ा सा बोलिए। Narendra Modi is the 14th Prime Minister of India. He was born on 70 September 1950 at Vadnagar in Gujarat. His full name is Narendra Damodar Das Modi. His father name was Damodar Das Mulchand Modi. And his mother name was Hira Ben Modi. That all, thank you. बहुत अच्छा, ताली लगाइए इनके लिए।
सर जी, मतलब ये सरकारी स्कूल के बच्चे हैं जो मतलब इंग्लिश मीडियम के स्कूल के बच्चों से मतलब टक्कर दे रही है? हाँ, व्हाई नॉट, बिकॉज देखिए यहाँ पे क्या है ना, ऑल स्टूडेंट्स आर सेम, ओके, सभी स्टूडेंट जो है उनके अंदर क्षमता है, नो डाउट। लेकिन क्या होता है कि कुछ गार्जियन जो हमारे हैं जी, कुछ गार्जियन अगर सपोर्ट करें, क्योंकि वी आर पेरेंट्स एट स्कूल एंड पेरेंट्स आर टीचर्स एट होम, ये अगर सिद्धांत पे काम करेंगे तभी हमारे बच्चे आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पर स्कूल में पढ़ा दिए, लेकिन अगर गार्जियन जो है घर में नहीं पढ़ाएंगे तो कैसे होगा? हाँ, सपोर्ट चाहिए हमें, गार्जियंस का भी सपोर्ट चाहिए, क्योंकि बच्चे तो सभी एक समान ही है, लेकिन गार्जियन का अगर सपोर्ट मिल जाए तो सभी बच्चे बहुत अच्छा कर सकते हैं और बहुत अच्छा कर भी रहे हैं। अच्छा, आप लोग भी कोई बच्चे ऐसे हैं जो इनके जैसा इंग्लिश बोल सकते हैं? आप लोग भी कोई हैं उनसे? आप लोग अपना परिचय दे सकते हैं? हाँ, थोड़ा सा उनसे बात करते हैं। खड़ा हो जाइए छोटू। भाटी जूनियर, माय नेम इज विश्वजीत राज। हाँ, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए सर। माय फादर नेम इज श्री मुकेश प्रसाद, माय मदर नेम इज श्रीमती पिंकी देवी, माय ब्रदर नेम इज प्रीतम राज, माय सिस्टर नेम इज सुप्रिया भारती, आई लिव इट राजगीर। व्हाट इज योर ड्रीम? मतलब व्हाट इज योर ड्रीम, व्हाट इज योर गोल? आईएएस। आईएएस? यस। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ आईएएस? आईएएस का इंडियन इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। यस। ठीक है, थोड़ा सा बच्चे हैं, कौन क्लास में पढ़ते हैं? 5। Yes. आईएएस बनना है? Yes. तो अच्छे से पढ़ाई करना है ना? Yes. अच्छा, क्या लगता है कि आपको कि सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे तो हम अच्छी शिक्षा हमको मिलेगी? Yes. मिलेगी? Yes. देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो हम भी मतलब सरकारी स्कूल में जाते हैं। क्वेश्चन पूछ सकते हैं? पूछिए। मीडिया का मतलब क्या होता है? मीडिया? हाँ। मीडिया जो मतलब अच्छे अच्छे खबरों को दिखाए, मतलब समाज में जो भी बुराई हो रहा है उसको दिखाए, उसी को मीडिया कहते हैं। ईमानदारी से अपना कार्य करें, जब कुछ लोगों का आवाज बने उसको मीडिया कहते हैं। हाँ। मीडिया बहुत प्रकार के होते हैं। यस। बहुत सारे मीडिया नेताओं के बारे में दिखाते हैं। हाँ। बहुत सारे मीडिया होते हैं जो मतलब जनता के बारे में दिखाते हैं। Yes. कौन से मीडिया को पसंद करते हैं? हम तो जनता वाले का। हाँ। क्योंकि नेताओं के पीछे तो बहुत सारे मीडिया जाते हैं। Yes. जनता के बीच में भी तो आना चाहिए ना। Yes. तो हम लोग उसी मीडिया है, जनता मीडिया है। ठीक है, बड़ा होकर आप आईएएस बनिए। मेरा आशीर्वाद है आपके साथ, मेरा शुभकामना आपके साथ। चलिए बैठिए। आपके पास से जाने का मन नहीं कर रहा है, थोड़ा सा और एक आपका इंग्लिश आप सुनाइए। क्या चीज़? क्योंकि आप गॉड गिफ्टेड हैं, थोड़ा सा एक और पोएम सुनाइए। पोएम? मम्मी मम्मी लेट मी डाल, मम्मी गिव मी योर मोबाइल, मम्मी गिव मी योर मोबाइल। थोड़ा सा कुछ है। मम्मी आप हमको मोबाइल दीजिए, हम थोड़ा सा उसमें गेम खेलेंगे। बच्चों का तो यही होता है ये सर। हाँ। गेम खेलेंगे मोबाइल में, या कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि मोबाइल में पढ़ने वाला चीज देख सकते हैं। मोबाइल में तो गूगल से तो सब चीज आप पूछ सकते हैं। मोबाइल चलाते हैं? हाँ हाँ, थोड़ा बहुत चलाते हैं, थोड़ा बहुत चलाते हैं। अच्छा, जो SDM का एक न्यूज आ रहा है, SDM ज्योति मौर्या और लोक मौर्या है, जो मतलब आजकल ऐसा होता है बहुत सारे लोग के साथ कि अपने बेटी को ही पढ़ाते हैं, कितने लोग अपने मतलब पत्नी को ही पढ़ाते हैं और बड़ा बनने के बाद मतलब अपने परिवार को भूल जाते हैं, उस पर क्या कहना चाहते हैं? उस पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि उन्हें तो भूलना तो नहीं चाहिए, क्योंकि उन्हें पति या उनके पिता जो भी पढ़ाते हैं उन्हें बहुत मेहनत से पढ़ाते हैं। उनका भी एक सपना होता है कि मेरी बेटी या पत्नी बनेगी तो मेरा नाम रोशन करेगी, मेरे खानदान का नाम रोशन करेगी और अपने भारत देश का नाम रोशन करेगी। इसलिए मैं उन लोग से बोलना चाहती हूँ कि कृपया कर ऐसा काम ना करें, क्योंकि जब पढ़े लिखे होकर अफसर होकर वैसे करेंगे तो फिर आम जनता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वही तो, वैसी बात है। तो ऐसे तो बहुत सारी आंटी लोग हैं जो तैयारी कर रही होगी IPS का। हाँ। तो अब तो उन लोग को भी तैयारी करने का तो नहीं होगा ना सर? बहुत सारे लोग यहाँ पर मतलब कि उनका रास्ता बंद हो गया। हाँ, अब उनका रास्ता बंद हो गया। हाँ, तो ऐसे उनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ उन्हीं के कारण कितनों का सपना टूट गया है। हाँ। जितनों के अगर उन लोग के पापा या उनके पति पढ़ा रहे होंगे तो उन लोग के पति का तो सपना टूट गया, मनोबल टूट जाता है, मनोबल टूट जाता है। ऐसे किया तो हो सकता है मेरे वाला भी हो सकता है। हाँ, मेरे वाला भी हो सकता है, सब कुछ शक हो जाता है। सभी वैसे नहीं होते हैं? नहीं, सभी वैसे नहीं होते हैं। कहा जाता है ना कि मछली जब एगो सड़ जाता है तालाब में तो पूरा हो जाता है। उनको क्या कहना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं उनको? मैं उनको ये संदेश देना चाहती हूँ कि कृपया कर वैसा ना करें और अपने फिर से अपने घर चले जाएं। अपने घर चले जाएं, अपने बच्चों को देखें। हाँ। क्योंकि अगर आप किसी को धोखा दे रहे हैं तो आपको भी धोखा ही मिलेगा। हाँ, ये बात सही है। चलिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किए, इस बच्ची से मिलकर आप लोगों को कैसा लगा? और मैं था आपके साथ प्रद्युमन यादव।